मध्य प्रदेश शासन के आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर नानोकावरे ने आज जिला भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि 22 फरवरी को मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान बालाघाट पहुंच रहे हैं। इस दौरान सीएम के द्वारा पुलिस लाइन बालाघाट में हाकफोर्स के जवानों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन से सम्मानित किया जाएगा। इसके तुरंत बाद परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लामता में 146 करोड़ की लागत से बनने वाले पाइप इरीगेशन परियोजना के लिए भूमि पूजन होगा। मंत्री कावरे ने बताया कि इस परियोजना से क्षेत्र के 55 गांव के किसानों की 9630 हेक्टेयर असिंचित भूमि को पानी की सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने इस कार्यक्रम में आमजनों से अधिक संख्या में पहुँचने की अपील की है। मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का बालाघाट जिले में आगमन है। क्योंकि बालाघाट जिले में नक्सल गतिविधियों पर जिस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश के जवानों ने नक्सल अभियान को रोका है, वहीं पर कई ऐसे इनामी नक्सल हैं जिनको उन्होंने ढेर किया है, उसी को लेकर आउट ऑफ प्रमोशन का भी कार्यक्रम कल माननीय मुख्यमंत्री जी का है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी 10 बजे बालाघाट पहुंचेंगे और उसके बाद पुलिस लाइन में कार्यक्रम होने के बाद परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लामता ग्राउंड में पहुंचेंगे, जहां पर परसवाड़ा विधानसभा के इतिहास में पहली बार एक ऐसी अभिनव योजना पेस्टाइज लामता पेस्टाइज योजना है जो लगभग 55 ग्राम को पाइपलाइन के माध्यम से हम पानी देने का काम करेंगे। जल संसाधन विभाग के माध्यम से हम खेतों तक के पानी पहुंचाएंगे। इससे पानी की बचत होगी, पानी वेस्टेज नहीं होगा और हम हमारे वैनगंगा से पानी उठाएंगे, पानी हम डंप करेंगे और जितना किसानों को पानी की आवश्यकता है उतना पानी हम किसान को देंगे। पानी की आवश्यकता नहीं होगी तो हम पानी को बंद कर देंगे। मशीनों का उपकरणों का ज़्यादा हम उपयोग कर रहे हैं जिसके कारण हम कम पानी और ज़्यादा उपयोग, जितना आवश्यकता है पानी का उतना ही खेती में पानी हम देंगे। जो केनाल और नहरों के माध्यम से हम पानी देते थे, कई बार ये होता था कि नहर टूट जाए, नहर फूट जाए, जिससे पानी अव्यवस्थित रूप से बह जाता था और जितना हम पानी देते थे उतना किसान के खेत तक पानी नहीं पहुंच पाता था। तो एक अभिनव योजना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावटकर जी के मार्गदर्शन में ये पूरी योजना हमारी बनी हुई है। क्योंकि मैं भी उस विभाग का राज्य मंत्री हूँ, मैंने DPR से लेके संपूर्ण इस योजना को लेकर बजट में शामिल करके पैसे का प्रबंध करके ये स्वीकृति दिलाई थी। क्योंकि मेरे मन में था कि ये बड़ी योजना है और माननीय मुख्यमंत्री जी ही इनका भूमि पूजन करने आए, ये मेरे मन में जिद था और मैंने आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहमति दी और कल उनका शिलान्यास होगा। आयुष एवं जल संसाधन विभाग के मंत्री कावरे ने परियोजना को लेकर कांग्रेस विधायक हिना कावरे के द्वारा लिखे गए पत्र के संबंध में कहा है कि पत्र लिखने मात्र से कोई भी परियोजना साकार नहीं होती है, इसके लिए कार्य करना पड़ता है। मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र को इस परियोजना की सौगात दिलाई है, इसलिए उन्हें भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रति आभार जताना चाहिए। मैं इस विभाग का मंत्री हूँ, पत्र लिखने से कुछ होता है क्या? और कब पत्र लिखे और आज वो पत्र दिख रहा है, इतने दिनों से पत्र कहाँ था भाई? पत्र तो कभी भी कोई भी लिख देता, तारीख है उसका कब क्या हमें नहीं पता। ठीक है, एक चीज़ उन्होंने क्या किया हमें उस पर कोई कमेंट्स नहीं। मैं इतना जानता हूँ कि मैं उस विभाग का मंत्री, मैंने उसका DPR तैयार किया, मैंने उसको कैबिनेट में लेके आया, प्रशासन की स्वीकृति मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने दिए,
तो मध्य प्रदेश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, पत्र लिखने से कुछ नहीं होता। और अगर उन्होंने पत्र लिखा है तो स्वागत है, पत्र लिखना अच्छे काम के लिए कोई पत्र लिखे तो हम स्वागत करते, हम किसी का विरोध नहीं करते। लेकिन इतना तो जानना चाहिए, शिवराज जी ने दिए तो शिवराज जी को धन्यवाद करें, अच्छा काम कर रहे हैं और सहयोग करें और फिर से मुख्यमंत्री बनने के लिए बनाने के लिए सहयोग करें।